वेलकम टू माई चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल सॉल्व पजल क्विज, जो कि मैंने अड्डा 247 से सब्जेक्ट वाइज क्विज में रीजनिंग सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं 24 जुलाई की, इसे अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि 5 और 6 को आपका RRB PO का है और देन उसके बाद आपका फिर क्लेरिकल की एग्जाम भी स्टार्ट हैं। सो बैक टू बैक एग्जाम आने वाले हैं आप, ठीक है, एग्जाम लाइंड अप ही हैं आप। सो अब आपको अपनी प्रिपरेशन फुल फोकस, क्योंकि अभी काफ़ी कम टाइम बचा है। आज होगी है आपकी 27 जुलाई, ठीक है। सो 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब हार्डली 1 वीक रह गया आपके पास, ठीक है। सो इस 1 वीक में आपको फुल फोकस करना है, अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, और जो वीक सेक्शन है उसको थोड़ा अबव ले आना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ये 8 बॉक्सेस की पजल हैं, ठीक है, आर प्लेस्ड वन अबव अनदर। तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके जाना एग्जाम में, एक कट हो गया तो दूसरा ठीक हो जाएगा। अब क्या बोला, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन डी और बी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद बोला 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए और एच, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ, ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस, एच आर कैप्ड जस्ट बिलो बी, तो बी के इमीडिएट बिलो है एच, ठीक है। और क्या बोला है, देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बी और ई, बी और ई के बीच में आपके 2 बॉक्सेस। उसके बाद क्या बोला है, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी और जी, सी और जी के बीच में भी 2 बॉक्सेस हैं। C is placed at bottom, तो C और G के बीच में 2 हैं, यहाँ से मेरी कंडीशन बन गई, ठीक है। अब आपका क्या बोला है, F doesn't place immediate below A, तो A के immediate below F नहीं है, ओके। सो ये होगी हमारी पूरी कंडीशन नोट डाउन। अब चलते हैं, D और B के बीच में है 3 बॉक्स, ठीक है, D और 1, 2, 3, हाँ यहाँ पे रख दूँ अगर मैं, डी और 1, 2, 3, बी के बीच में 3 बॉक्स और बी के इमीडिएट बिलो है एच, ठीक है, ए और एच के बीच में आगे 2, और बोले ए के इमीडिएट बिलो एफ नहीं है, ठीक है, सी और जी के बीच में 2 हैं, ठीक है, और क्या कंडीशन बचा था, बी और ई के बीच में 2, ये आ गया, और क्या था बचा हमारा, एफ आ गया यहाँ पे। सो ये सॉल्व हो गया, ठीक है, मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ, एफ डी ई ए जी बी एच सी, क्योंकि ये होने वाला अब डिलीट, ठीक है। सो नाउ चलते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एफ और जी के बीच में, कितने, 1, 2, 3 बॉक्सेस हैं हमारे। और नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है, अरे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, चलो आगे देख लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन डी और एच, डी और एच के बीच में थे हमारे 1, 2, 3, 4 हैं, इसे मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ए और सी के बीच में 4 हैं, 3 है, एफ और ई के बीच में 1 है, बी और डी के बीच में 1, 2, 3 है, नहीं, सी और ई के बीच में 4 हैं, हाँ यस। सो नेक्स्ट चलते हैं, विच बॉक्सेस प्लेस टॉप में पे था हमारा एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जी, तो एच इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो जी, जी इज फोर्थ फ्रॉम टॉप, सेकेंड थर्ड फोर्थ, 2 बॉक्सेज आर बिटवीन जी और ई, नॉट मोर देन 3 बॉक्सेज आर बिलो जी, जी के बिलो 1, 2, 3, 3 से ज़्यादा नहीं है, येस। एक क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव ए, ए के इमीडिएट ऊपर हमारा ई था, ठीक है। और नेक्स्ट पजल पे चलते हैं, क्या दिया यहाँ पे, 7 पर्सन लिव्स इन अ बिल्डिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन, दे गो टू मार्केट प्लेस 1 वीक फ्रॉम मंडे टू संडे ऑफ सेम वीक, ओनली 1 पर्सन गोज टू, तो यहाँ पे मैं डेज लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर डेज लिख देती हूँ मैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है, यहाँ पे फिर हम पर्सन लिख देंगे, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना है। सो क्या बोले, 3 पर्सन गोज़ टू मार्केट बिटवीन एफ और ए के बीच में जा रहे हैं हमारे 3 पर्सन, एफ गोज़ टू मार्केट 1 of the days बिफोर ए, तो ए के बिफोर है एफ, ठीक है। अब क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन गोज़ टू मार्केट बिटवीन ए और जी के बीच में एक ही पर्सन जा रहे हैं,
ठीक है, अब क्या बोला, 2% गोज टू मार्केट बिटवीन जी और बी के बीच में 2 जा रहे हैं। बोले ओनली 1% गोज टू मार्केट बिटवीन बी और ई के बीच में 1 जा रहा है। डी डजेंट गो टू मार्केट इमीजिएट आफ्टर जी, तो जी के इमीजिएट, इसको यहाँ पे कर देते हैं, जी के इमीजिएट बाद डी नहीं है। ओके, और क्या बोला है, डी गोज़ टू मार्केट इमीजिएट बिफोर सी, तो सी के इमीजिएट ऊपर जा रहा है डी। सो कहाँ से स्टार्ट करें, एफ से स्टार्ट कर देते हैं पहले, ठीक है। एफ फॉर 1, 2, 3, ए के बीच में 3 है, ठीक है, ए और जी के बीच में 1 है, ए के ऊपर एफ था, है ना, ए और जी के बीच में, मैं जी को यहाँ पे ले लूँ नीचे, एक बार मैं इधर ले लेती हूँ, ए और जी के बीच में 1 है, अब जी और बी के बीच में 2 है, ठीक है, जी और बी के बीच में 2 है, बी और ई के बीच में 1 है, जी के इमीजिएट बिलो डी नहीं है, जी के इमीजिएट बिलो डी तो आएगा नहीं वहाँ पे। अब क्या बोला था, सी के इमीजिएट ऊपर है डी, सी के इमीजिएट ऊपर है डी, यहाँ पे तो हमारी बची नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो ए बी सी डी ई आ गया हमारे यहाँ पे, बी और ई के बीच में, ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। मैं नोट कर देती हूँ, एफ डी सी बी ए ई और जी, ये आ गया मंडे से लेकर सैटरडे तक। चलो, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज़ टू मार्केट ऑन वेडनेसडे को जा रहा हमारा सी, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिख नहीं रहा अभी, जी गोज़ टू मार्केट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, जी जा रहा है हमारा संडे को, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ए, तो ए गोज़ टू मार्केट ऑन सैटरडे, नो, ई इमीडिएट बिफोर है ए के, नो, ओनली 2% गोज बिटवीन ए और सी, नो, ए गोज़ इमीडिएट आफ्टर डी, नो, नन ऑफ दिस। हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन एफ और ई के बीच में कितने जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4% जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारा कौन सा रह गया, दिख नहीं रहा था वो, जल्दी जल्दी, हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू मार्केट इमीजिएट बिफोर ई, ई के इमीजिएट बिफोर ए, ओके, सो हो गया हमारा, सबमिट कर दो टेस्ट, यस 10 out of 10। सो इस टाइप से फ्रेंड्स आपको पजल करनी है, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करी थी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया, लेकिन आपको एग्जाम में अपनी एक्यूरेसी और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो आपको आना चाहिए स्ट्रेटजी, ओके। सो फ्रेंड्स, इसी टाइप से हम और पजल करते हैं, अभी इसको पॉज। सो नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट कर लेते हैं हम सिलॉग्स की, ठीक है, 21 जुलाई की है ये क्विज, सो लेट्स अटेम्प्ट। इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, फॉलो बोला है कि डजेंट फॉलो बोला है, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम पूरा क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकली फॉलोज, कई बार यहाँ पर डजेंट फॉलो भी बोला था, सो इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कीजिएगा। स्टेटमेंट है, ऑल स्टील आयरन है, ठीक है, ऑल आयरन गोल्ड है, गोल्ड को मैंने जी से डिनोट कर दिया। इस तरह से करोगे तो आपका टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होगा। नो आयरन इज प्लेटिनम, कोई भी आयरन प्लेटिनम नहीं है, ठीक है, तो सम गोल्ड आर नॉट प्लेटिनम, गोल्ड का कुछ पार्ट प्लेटिनम नहीं है, सो यस, सम स्टील आर नॉट प्लेटिनम, कुछ स्टील प्लेटिनम नहीं है, ये भी ठीक है, क्योंकि जब बाहर से आए के नहीं जा सकता तो अंदर भी उसका कुछ पार्ट तो जाएगा नहीं, वैसे फुल पार्ट भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो दोनों करेक्ट हो गए, बोथ 1 out of 2 फॉलो। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ऑल सुपर कार आर कार, कोई भी सुपर कार बाइक नहीं है। नो का रिलेशन हमेशा दोनों साइड से होगा, ठीक है, ऑल बाइक आर सुपर बाइक, जितने भी जो, अच्छा, ऑल बाइक, जितनी भी जो बाइक हैं वो सुपर बाइक हैं, तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोले, ऑल कार कैन नेवर बी बाइक, तो अब कैन नेवर बी का पहले कैन बी से देख लो कि कैन बी से होता है, अगर होता है तो कैन नेवर बी उसका अपोजिट होता है, ठीक है, तो ऑल कार कैन बी बाइक, क्या ऑल कार बाइक हो सकती है, नो, क्योंकि कार का कुछ पार्ट बाइक में तो जा नहीं सकता, तो कैन नेवर बी बोला है तो ठीक है, ठीक है। सम सुपर बाइक इज सुपर कार, कुछ सुपर बाइक सुपर कार है, नो, अगर यहाँ पे बोला होता है कि कुछ सुपर बाइक सुपर कार नहीं है तो हम बोल सकते थे, तो ये गलत हो गया, इसका आएगा ओनली 1 फॉलो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर आइस, और
आईज को ई वाई से डिनोट कर दो, सम डॉग आर ईयर, कुछ डॉग जो है वो ईयर है, तो बोला ऑल ईयर आईज बन जाए इज़ अ पॉसिबिलिटी, येस डेफिनेटली, नो कैट इज़ ईयर। जब स्टेटमेंट आपको ट्रू दी है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए, तो नेगेटिव कंक्लूजन डायरेक्ट में हमेशा रॉन्ग होगा, ओके। अगर पॉसिबिलिटी केस में दिया होता तो हो सकता था। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या बोले, कुछ डी ई हैं, कोई भी ई एफ नहीं है, नो इज एफ, और ऑल एफ आर जी, ऑल एफ जी हैं, तो सम जी आर डेफिनेटली नॉट ई, कुछ जी का कुछ पार्ट ई नहीं है, बिल्कुल सही है। सम एफ आर नॉट डी, कुछ एफ डी नहीं है, नहीं, एफ और डी का हमें रिलेशन नहीं दिया है। अगर यहाँ पे बोला था कि कुछ डी एफ नहीं है तो ट्रू होता है, ठीक है, तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला, कुछ फाइनेंस के हैं मिनिस्टर हैं, कुछ मिनिस्टर लीडर हैं, और कुछ लीडर ह्यूमन है, एच से डिनोट कर दिया। ऑल मिनिस्टर आर लीडर, रॉन्ग, मिनिस्टर और लीडर का तो सम का रिलेशन है, ठीक है, सो ये रॉन्ग हो गया। कुछ लीडर मिनिस्टर नहीं है, लीडर और मिनिस्टर का मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव आप कंक्लूजन दे रहे हो तो रॉन्ग। अगर पॉसिबिलिटी केस में बोला था तो ट्रू हो जाता, तो दोनों रॉन्ग है, नीदर नॉर, ठीक है। ऑल और सम नॉट का केस तो नहीं बन रहा, नहीं बनेगा, बताओ क्यों, क्योंकि ऑल और सम नॉट के केस में फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन, जैसे यहाँ पे मिनिस्टर पहले है, तो यहाँ पे अगर सम मिनिस्टर आर नॉट लीडर दिया होता तो यहाँ पे इधर और लगता, तो यहाँ पे नीदर नॉर लगेगा, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, सम टॉम आर जेरी, ऑल जेरी कैट हैं, और बोले ऑल कैट आर एनिमल, तो क्या बोले, सम टॉम आर नॉट एनिमल, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन, रॉन्ग। ऑल टॉम आर एनिमल्स, नहीं, टॉम का एनिमल से कुछ का रिलेशन है तो ये गलत, तो ऑल टॉम आर एनिमल और सम टॉम आर नॉट एनिमल, ये बना इधर और का केस, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर और, ठीक है। नाउ यहाँ पे चलते हैं, कुछ बॉय क्रिकेटर हैं, ऑल क्रिकेटर बैट्समैन है, और क्या बोले, कोई भी बॉय बॉलर नहीं है, कोई भी बॉय बॉलर नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोले, सम क्रिकेटर इज़ नॉट बॉलर, कुछ क्रिकेटर बॉलर नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट, ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, पहले देखो क्या सारे बैट्समैन बॉलर हो सकते हैं, हाँ यस हो सकते हैं, लेकिन कैन नेवर भी बोल दिया तो ये गलत है, ठीक है, कंक्लूजन वन फॉलो। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला है, ऑल कॉफ़ी आर समर, जल्दी जल्दी जल्दी, सम टी इज़ कॉफ़ी, कुछ टी कॉफ़ी है, और क्या बोले, सम समर कोल्ड है, कोल्ड है, ठीक है, तो ऑल टी कोल्ड बन जाए इज़ अ पॉसिबिलिटी, येस, टी और कोल्ड का हो सकता है पॉसिबिलिटी में। सम कॉफ़ी आर डेफिनेटली नॉट कोल्ड, कुछ कॉफ़ी कोल्ड नहीं है, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग, तो ओनली वन फॉलोस। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दिख नहीं रहा इसमें, अभी देख लेते हैं इसको। ऑल सॉइल आर प्लांट, कोई भी अर्थ प्लांट नहीं है, और ऑल अर्थ आर वाटर, ठीक है, तो सम प्लांट वाटर बन जाए इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ प्लांट वाटर बन जाए, येस हो सकता है पॉसिबिलिटी में, ठीक है। कोई भी वाटर सॉइल नहीं है, कोई भी वाटर सॉइल नहीं है, नहीं, अगर बोला था कि कुछ वाटर सॉइल नहीं है तब हो सकता है, ठीक है, सो ये रॉन्ग हो गया, इसका आएगा कंक्लूजन वन फॉलो। ये बच गया था हमारा, ये क्यों नहीं खुल रहा, हाँ आ गया, कुछ ब्लू ग्रीन है, बोले सम ग्रे ब्लू है, यहाँ पे ग्रे को मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, सम ग्रे ब्लू है, कुछ ब्लू ग्रीन है, और ऑल ग्रीन हमारा वाइट है, तो क्या बोले, सम ग्रे वाइट बन जाए इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ ग्रे वाइट बन जाए पॉसिबिलिटी, येस बन सकता है। ऑल ग्रीन ग्रे बन जाए पॉसिबिलिटी, ऑल ग्रीन ग्रे बन जाए पॉसिबिलिटी, येस ये भी पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है, तो बोथ वन और टू फॉलो, ठीक है, तो कर दीजिए सबमिट। ओ नो, एक गड़बड़ हो गया, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ, एक मिनट, यहाँ पे सम बॉय क्रिकेटर है, ऑल क्रिकेटर बैट्समैन है, कोई भी बॉय बॉलर नहीं है, कोई भी बॉय बॉलर नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोला था, सम क्रिकेटर इज़ नॉट बॉलर, कुछ क्रिकेटर बॉलर नहीं है, ठीक है, ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, क्या सारे बैट्समैन बॉलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हाँ नहीं हो सकते हैं ना, तो ठीक है, ये ट्रू होना था, मैंने गलत कर दिया इसको, क्योंकि बैट्समैन का कुछ पॉट बॉलर नहीं हो सकता, तो वही बोल रही है, ठीक है, मैंने शायद इसको पढ़ लिया होगा, सो इसमें आना था बोथ वन और टू फॉलो, है ना। सो ये था फ्रेंड्स हमारा सिलॉग्स एंड पजल। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फ्रेंड्स, यू कैन आस्क, एंड
अब मॉक टेस्ट देते रहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है, ऑली बोर्ड के जितने भी लाइव टेस्ट हैं उनको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा आपकी रैंकिंग क्या है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट फ्री मॉक टेस्ट, जो फ्री लाइव टेस्ट चल रहे हैं, चाहे प्रैक्टिस मॉक का हो, ऑली बोर्ड का हो, टेस्ट जोन का हो, टेस्ट बुक का हो, ग्रेड अप का हो, मतलब बायजू, सो जो भी हैं उनको फ्री वाले तो करने करने हैं आपने अटैम्प्ट, ठीक है। उससे आपको लेवल पता लगेगा, और स्पीड जहाँ पे कम अगर है तो आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अभी आप, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन तो हो ही जाते हैं, स्क्वेयर्स टेबल्स वगैरह, ठीक है, यहीं से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होएगी। और केसले डीआई की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। और आपके पजल्स वगैरह जो हैं, डेजिग्नेशन बेस्ड, रैंकिंग बेस्ड, और पैरेलल रो बेस्ड, फ्लैट एंड फ्लोर, इनको कीजिए, ठीक है।